आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। यूपी में सपा अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार बनाएगी, शरद पवार का दावा। बीजेपी में इस्तीफों की झड़ी, स्वामी प्रसाद मौर्य के घर 6 और विधायक मौजूद, डैमेज कंट्रोल में जुटी भाजपा। शेयर बाजार में तेजी से म्यूचुअल फंड के प्रति बढ़ा निवेशकों का रुझान। आज से मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन नहीं कर सकेंगे श्रद्धालु, अगले आदेश तक बंद रहेंगे कपाट। अगले साल होने वाले आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर होगा टाटा ग्रुप। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह और रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। पहली खबर बदायूं से सामने आ रही है, जहां पर आगामी चुनावों की तारीखों का ऐलान होते ही प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है। इसी कड़ी में जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जिले के अलग अलग जगहों और स्कूलों में अर्धसैनिक बलों के ठहरने की व्यवस्था का जायजा लिया और सभी सुविधाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। वहीं बस्ती में सदर कोतवाली के एपीएनपीजी कॉलेज में प्राचार्य पर आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया है। आचार संहिता लगाने के बाद भी बिना अनुमति के कॉलेज के छात्रों को सरकारी योजना से लैपटॉप, मोबाइल और टैबलेट का वितरण किया जा रहा था। मामले की सूचना मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंचा और डीएम ने संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। वहीं एसपी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि बस्ती सदर विधानसभा के वीडियो सर्वेलांस टीम के प्रभारी नरेंद्र कुमार सिंह की तहरीर देकर आचार संहिता उल्लंघन पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। कल दिनांक 10 जनवरी को थाना कोतवाली पर विधानसभा 310 बस्ती सदर के वीडियो सर्वेलांस टीम के प्रभारी नरेंद्र कुमार सिंह, सहायक विकास अधिकारी कृषि ने एक आधार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा पंजीकृत कराया है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि एपीएन डिग्री कॉलेज के प्राचार्य के द्वारा बिना अनुमति के छात्रों को टैबलेट और लैपटॉप बांटे जा रहे थे। उनकी इस तहरीर के आधार पर 171E में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, जो आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के पुण्यतिथि के अवसर पर सिविल लाइन्स में उनकी प्रतिमा का कायस्थ बंधुओं ने माल्यार्पण करके उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए हैं, जिसके बाद एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अखिल भारतीय चित्रांश महासभा के जिलाध्यक्ष काली शंकर श्रीवास्तव ने किया। इस दौरान लाल बहादुर शास्त्री के जीवन पर विस्तार से चर्चा की गई और बताया गया कि उनके किए गए कामों से आज भी कायस्थ समाज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है और उनके बताए गए रास्तों पर चलने का संकल्प भी लिया गया। अगली खबर चंदौली से है, जहां पर पॉलिटेक्निक के छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कॉलेज के प्रिंसिपल पर अभद्रता करते हुए प्रिंसिपल ऑफिस में गाली गलौच करने का भी आरोप लगाया है। नए छात्रों के समय से छात्रवृत्ति न मिलने का भी आरोप इस वक्त कॉलेज प्रिंसिपल पर लगा है। हम लोग का मांग ये है कि पिछले 2 साल से हम लोग इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं और हम लोग की स्कॉलरशिप जो है कुछ बच्चों की आती ही नहीं है, और कुछ बच्चों की आती है तो वो भी आधा आती है। और रह गई हम लोग की मांग जो है वो टैबलेट योजना वितरण के लिए। हम लोग ने बहुत जगह, मेरे दोस्त भी पढ़ते हैं, काफ़ी सारे छात्र पढ़ते हैं, हर ज़िले में मैक्सिमम जो है कि टैबलेट वितरण हो चुका है। हम लोग के कॉलेज में ना कोई नोटिस आता है, ना किसी कार्यक्रम का पता चलता है। अगर हम लोग कहीं जाते हैं प्रिंसिपल ऑफिस या कहीं पे भी, तो रेरा पुकार करके बात करते हैं, वो लोग हरे तरह करके पेश आते हैं और वहां से हम लोगों को भगा दिया जाता है। हमारी मांग ये है कि सर स्कॉलरशिप में हम अगर कॉलेज की बात करें, 2 सेमेस्टर मतलब 2 शिफ्ट में पैसा लिया जाता है। फर्स्ट शिफ्ट का 20,000, सेकेंड शिफ्ट का 27,000 रुपये। उसमें अगर आपका स्कॉलरशिप चेक करेंगे तो कुछ लोग का आधा, जैसे कि 11,700 हमारा, और कुछ लोग का कुछ नहीं। DRDO वेरीफाई, हर एक वेरीफाई होने के बाद भी नहीं आता है। और अगर इसके लिए कॉलेज को बोला जाए
तो कॉलेज बोलता है कि ये इनका मामला है, उनका मामला है, उनसे कोई मामला नहीं है। फिर इस बार का सर बता रहे हैं आपको, ये अगली बार की थी, इस बार का स्कॉलरशिप आप देख लीजिए, स्कॉलरशिप का स्टेटस तक शो नहीं कर रहे हैं। इसके बारे में आपने कॉलेज के प्रमाण से बात की थी? बात की सर। तो क्या बोले? वो बोले कि हम लोग वहाँ गए हुए थे सुबह में आवास पे, आवास पे वहाँ गए, वहाँ पे बात हुई। वो बोले कि आप लोग वहाँ पे जाइए, ज्ञापन दे दीजिए। वहाँ पे जाने के बाद यहाँ आते आते ग्रुप में सर मैसेज आया है, जो हम लोग का ऑफिशियल ग्रुप चलता है चंदौली पॉलिटेक्निक से, उसमें बोला गया कि जो भी वहाँ पे अभद्रता हुई है उसके लिए सेशनल नंबर काटा जाएगा छात्रों का। वहीं रायबरेली में भी आचार संहिता लागू होते ही जिला प्रशासन अलर्ट हो चुका है, जिसको लेकर आज पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार के नेतृत्व में पूरे जिले में फ्लैग मार्च निकाली गई। जबकि इस मार्च के दौरान पुलिस अधीक्षक ने कहा कि आगामी चुनाव को शांतिपूर्ण और पूरी निष्पक्षता के साथ करवाया जाएगा। ये जनपद रायबरेली में आगामी चुनाव के दृष्टिगत हम लोगों को अर्धसैनिक बल उपलब्ध कराए गए हैं, जिनके साथ आज यहाँ फ्लैग मार्च किया जा रहा है। जो भी सेंसिटिव एरिया है उनमें फ्लैग मार्च कराया जा रहा है। ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है और हम लोग इस बात के लिए सभी को आश्वस्त करना चाहते हैं कि चुनाव बिल्कुल शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से जनपद रायबरेली में करवाया जाएगा। अगली खबर फरुखाबाद से है, जहां पर शहर कोतवाली के मोहल्ला आवास विकास के जिला अस्पताल लोहिया में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने आई महिला के साथ अस्पताल कर्मचारी ने अभद्रता की, जबकि स्लॉट बुक होने के बावजूद अस्पताल के कर्मचारियों ने महिला को वैक्सीन नहीं लगाई। जबकि युवती के मुताबिक दोनों पति पत्नी करीब एक घंटे तक वैक्सीन लगाने के लिए अस्पताल प्रशासन से गुहार लगाते रहे। सेकेंड डोज की हमने रजिस्ट्रेशन मोबाइल पे करवा दिया था। अपना था? किसका था? मेरी पत्नी का था ये। अच्छा अच्छा, क्या नाम है उनका? श्यामली तिवारी। और उसके बाद वहाँ जब गए तो वो ये मैडम ये बोली कि वहाँ से रजिस्ट्रेशन करवा के लाओ, यहाँ आज वो अंदर बैठे वो कह रहे हैं आज वैक्सीन नहीं लगेगी, सैटरडे को लगेगी। कौन सी आपकी डोज है? सेकेंड डोज है। कौन सी है? कोविशील्ड? कौन सी? कोविशील्ड। अच्छा, क्या कहा इन्होंने अंदर बैठे? अंदर बैठे उन्होंने ये कहा कि सैटरडे को लगेगी, सेकेंड डोज अभी नहीं लगेगी। तो फरुखाबाद से ये स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही सामने आई है, जहां पर लोगों को वैक्सीन नहीं लगाई जा रही है। आपको बता दें कि एक महिला स्लॉट बुक होने के बाद वैक्सीनेशन के लिए अस्पताल पहुंची हुई थी, वहीं अस्पताल में मौजूद कर्मचारियों ने महिला और उसके पति के साथ अभद्रता की है। वहीं जब महिला और उसके पति ने वैक्सीन लगाने की उनसे गुहार लगाई तो कर्मचारी वैक्सीन न लगाकर उनके साथ अभद्रता करते नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों से जल्द वैक्सीनेट होने की अपील कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ फरुखाबाद से इस तरह का वीडियो सामने आना कहीं ना कहीं प्रशासन की घोर लापरवाही को उजागर करता है। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे फरुखाबाद संवाददाता सुंदरम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सुंदरम, स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही फरुखाबाद से सामने आई है, जहां पर महिला का वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है, क्या कुछ जानकारी है? जी, जैसा कि आपने वीडियोस में भी देखा होगा, मामला यह है कि शहर कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के इमरजेंसी जो वार्ड है वहां पर वैक्सीन सेंटर बनाया गया है और वहां पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी होती है। लेकिन जब एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ आता है वैक्सीन लगवाने के लिए, उसका स्लॉट बुक था और स्लॉट बुक होने के बाद भी वहाँ पे कर्मचारियों द्वारा गुमराह करते उसको कहा जाता है कि जो कोविशील्ड की सेकेंड डोज है वो सिर्फ शनिवार को लगती है। लेकिन जब उच्च अधिकारियों से भी बात की गई तो उन्होंने कन्फर्म किया कि जो जितनी दो वैक्सीन है उनकी दोनों डोज, चाहे फर्स्ट डोज हो सेकेंड डोज हो, प्रतिदिन लग रही है, यहाँ तक की रविवार को भी जो है वो लगवाई जा रही है। लेकिन हॉस्पिटल में 6 दिन तो कंटिन्यू लगी रही है और वहां पर ऐसी कोई भी बात सामने नहीं है। लेकिन एक बहुत ही असंवेदनशील रवैया कर्मचारियों को सामने आता है, एक तरफ जहां कोरोना के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं और सरकार भी अधिक से अधिक वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहित कर रही है लोगों के लिए, लेकिन जब इस तरीके से अगर कर्मचारी गुमराह करेंगे तो वहां पर लोगों का एक मनोबल भी टूटता है और वो मायूस होकर लौटते हैं। और 1 से 1.5 घंटे तक महिला व उसका पति इधर से उधर चक्कर काटने के बाद बिना वैक्सीन लगवाए वापस लौट गए थे। सुंदरम, इस पूरे मामले को लेकर अब क्या कुछ कार्रवाई की गई है कर्मचारियों के खिलाफ?
जी इस मामले पर जो जिला अस्पताल लोहिया उसके जो अधीक्षक हैं उनसे भी जब बात की गई तो उन्होंने जांच कराने की बात कही। साथ ही साथ इस मामले को जब मुख्य विकास अधिकारी फरुखाबाद के सामने समक्ष रखा गया तो उन्होंने भी कहा है कि इस मामले की वह स्वयं जांच करवाएंगी और जांच में दोषी पाए गए कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुंदरम, जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री के द्वारा वैक्सीन लगवाने की अपील की जा रही है, सभी प्रदेशवासियों से अपील है कि जल्द से जल्द सभी लोग फुली वैक्सीनेटेड हो जाएं, तो फरुखाबाद की स्थिति किस प्रकार से देख पा रहे हैं आप? एक अस्पताल की तस्वीरें हमने देखी, बाकी अस्पतालों का क्या कुछ हाल है वैक्सीनेशन को लेकर? जी, वैक्सीनेशन से संबंधित समस्याओं को लेकर जब ऐसी समस्याएं निरंतर सामने आ रही थी तो आज सुबह ही सीडीओ फरुखाबाद द्वारा एक संयुक्त चिकित्सालय लिंजीगंज का औचक निरीक्षण जब सुबह किया गया तो वहां पे भी बहुत सारी खामियां पाई गई, तो वहां उन्होंने सीएमओ को भी इस मामले को लेकर फटकार लगाई है और कह सकते हैं कि फरुखाबाद में जो सरकार की वैक्सीनेशन के प्रति नीतियां हैं उनके जो यहां के कर्मचारी हैं स्वास्थ्य विभाग के, तो वो इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, एक कह सकते हैं लचर रवैया अपनाए हुए हैं और कोरोना के बढ़ते मामले हुए भी जब सामने आ रहे हैं लेकिन फिर भी अधिकारियों के अंदर जो कर्मचारी हैं उनमें इतनी कह सकते हैं जागरूकता नहीं या वो इतने सक्रियता से कार्य करना नहीं चाहते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदरम आपका इस जानकारी के लिए। तो फरुखाबाद से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही उजागर हुई है। चलिए रुक करते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अगली खबर रायबरेली से सामने आ रही है जहां पर खीरो थाना क्षेत्र के चित्ता खेड़ा गांव में पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने घर में घुसकर महिलाओं समेत परिवार के सदस्यों के साथ कुल्हाड़ी और लाठी डंडे से मारपीट की है, जिसके बाद गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस दौरान पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर भी आरोप लगाते हुए कहा है कि कई बार पुलिस से मामले की शिकायत की गई, बावजूद इसके पुलिस ने इस मामले पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है। मामला ये है कि पुरानी रंजिश है, तीन चार बार इन लोगों ने मारा है और बार बार घर में घुस के इन लोगों को मारते पीटते हैं लोग। कौन लोगों ने मारा है? दिनेश सिंह और सुभाष सिंह और विद्यावती ने। थाना कौन सा लगता है? थाना खीरो। थाने पुलिस पहुंची थी? पुलिस 100 नंबर बुलाया गया था, वो हॉस्पिटल ले गए इनको और ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी कोई और कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे रायबरेली संवाददाता ओम शंकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो ओम शंकर, रायबरेली में दबंगों के हौसले बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं, वहीं खीरो पुलिस की भी एक लापरवाही उजागर हुई है, क्या कुछ जानकारी है? पुलिस की पूरी तरह से लापरवाही है क्योंकि कई बार शिकायत करने के बाद पुलिस ने जो है कार्रवाई नहीं की और उसका नतीजा यह मिला कि दबंग इतने ज्यादा मनबड़ हो गए हैं कि वो घर में घुस के मारे हैं, जिससे और उस जिस महिला को मारा है उसके बेटा जब बचाने के लिए दौड़ा तो उसकी भी पिटाई कर दी है। स्थिति है कि दोनों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और हैरानी की बात तो यह है कि अभी तक खीरो पुलिस ने मुकदमा तक पंजीकृत नहीं किया गया है, जबकि जो है पीड़ित जो है जीवन मौत के बीच में जिला अस्पताल में संघर्ष कर रहे हैं। जी ओम शंकर, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है, आप खीरो पुलिस की लापरवाही भी बता रहे हैं, वहीं पुलिस की तरफ से इस मामले पर क्या कुछ बयान जारी किया गया है? नहीं, पुलिस की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया। पुलिस ने कहा है कि अभी तहरीर नहीं मिली, टाल मटोल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दबंगों को संरक्षण भी दे रही है खीरो थाने की पुलिस। इसी से वो उत्पात रोज उत्पात मचाते और ये कई महीनों से मामला चल रहा, आए दिन धमकी और इस तरह की वारदातों को अंजाम देते रहे हैं, लेकिन कल जो है घर में घुस कर जिस तरह से कुल्हाड़ी और लाठी डंडों से उस महिला को ऊपर हमला किया गया है, वो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े करता है। ओम शंकर, जिस तरह से अभी पीड़ित पक्ष की हम लोग बातचीत भी सुन रहे थे जहां पर उन्होंने साफ तौर पर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जहां उन्होंने बताया है कि दबंगों ने कई बार मारपीट उनके साथ कर चुके हैं, वहीं इस बार मारपीट इतनी ज्यादा हो गई कि उनका बेटा और वो जो परिवार की एक महिला थी वो गंभीर रूप से घायल है और उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा है, ऐसे में किस प्रकार से देखते हैं आप इस पूरे मामले को कि स्थानीय पुलिस इस मामले को दर्ज तक नहीं करना चाहती है? जी हाँ, कहीं ना कहीं जो है पीड़ित पक्ष का आरोप वो सही लग रहा है क्योंकि अभी तक जो है मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया है और बात करने पर बताया गया है कि जैसे तहरीर मिलेगी दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक जमीन पर कुछ भी निफुल नहीं हुआ है। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद ओम शंकर इस जानकारी के लिए। तो रायबरेली से आपको खबर बता रहे थे जहां पर दबंगों के हौसले बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं, जहां पर पुरानी रंजिश के चलते एक परिवार को दबंगों ने अपना निशाना बनाया और मारपीट की वारदात को अंजाम दिया।
वहीं सिद्धार्थनगर में आगामी चुनावों से पहले आचार संहिता लागू होने के बावजूद जिले में सरकारी राशन की दुकानों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी की फोटो छाप राशन का पैकेट उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है, जबकि इस बारे में जिला पूर्ति अधिकारी से बातचीत की गई तो उनका कहना है कि जिले में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के फोटो वाले राशन के पैकेट चुनाव आचार संहिता लगने के बाद वितरित नहीं हो रहे हैं। जिनके पास पुराना स्टॉक था उनको पैकेट के ऊपर टेप लगाकर राशन वितरण का निर्देश फिलहाल दे दिया गया है। नहीं नहीं, अब नहीं बट रहे हैं, पहले आचार संहिता लगने के पहले बटे हैं, अब उनको निर्देश दे दिए गए हैं कि उस पर टेप लगा करके या रिमूव करके ही बांटे, और कोई भी ऐसा करता पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। दिखवा लेता हूँ, अभी मैं खुद भी विजिट करके आ रहा हूँ, हर जगह टेप लगा हुआ मिला है, दिखवा लेता हूँ, अगर ऐसा कुछ मिलता है तो कार्रवाई की जाएगी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव मोड में इस वक्त नजर आ रहा है, जिसको लेकर प्रदेश भर में कई जिलों में फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को जागरूक कराने का काम हो रहा है, जबकि एसएसपी और डीएम बूथों का ताबड़तोड़ निरीक्षण भी कर रहे हैं, जिससे 2022 के चुनावों में आम जनता को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। दो तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं अलीगढ़ और गोरखपुर की, जहां पर इस वक्त जिला प्रशासन मुश्तैदी के साथ आचार संहिता लागू होने के बाद फ्लैग मार्च करता दिखाई दे रहा है, जहां पुलिस वालों के साथ आपको जवान भी देख सकते हैं कि जवानों की टुकड़ी भी पुलिस वालों के साथ मौजूद है। वहीं पर लोगों को भी मतदान को लेकर और आगामी चुनाव को लेकर जागरूक किया जा रहा है। आगामी चुनाव को देखते हुए आचार संहिता लगा दी गई है, जिसको मद्देनजर रखते हुए एरिया डोमिनेशन की एक्सरसाइज पूरे जनपद में की जा रही है, जिसी के अंतर्गत थाना शासनी गेट के जो चुनावी क्षेत्र है जिसमें मतदान केंद्र है और अन्य स्थल, उनको उन पर आज एरिया डोमिनेशन की एक्सरसाइज करते हुए एक कंपनी आरएएफ के साथ मार्च किया गया, जिसमें क्षेत्र के चुनाव स्थल और मार्केट और अन्य भीड़भाड़ वाले स्थान जो कि चिन्हित किए गए थे उन पर मार्च किया गया है, और ये एक्सरसाइज आगामी नामांकन के बाद चुनाव तक जारी रहेगी, और सभी स्थानों पर एरिया डोमिनेशन के तहत पुलिस की विजिबिलिटी दिखाई जाएगी और सभी एरिया को सिक्योर किया जाएगा, और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। ये विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत जिले में तीन कंपनी एसएसबी के जवान मिले हुए हैं, जो आज रात्रि में ही आए हैं, और एक कंपनी शहर के लिए मिली हुई है। आज एसएसबी के जवानों के साथ पूरे शहर में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। इसका उद्देश्य जनता में एक विश्वास दिलाना है कि हमारे पास पर्याप्त फोर्स है और चुनाव में किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, भयमुक्त होकर लोग मतदान करें, यही इसका उद्देश्य है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।